रेडियो चैनल की और विद्या वाहिनी के डायरेक्टर के तौर पर ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके पास, बखूबी दोनों जिम्मेवारियों को निभा रही हैं। और आज स्पेशली जो हमारा यूथ विंग है उससे निवेदन करने आए हैं कि विद्या वाहिनी जो है वो उस प्रोजेक्ट में आप लोगों की जरूरत है, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और आनंद लीजिए। समय ना ज्यादा लेते हुए मैं माइक जो है वो बहन करुणा स्वरूप मुंशी जी को देता हूँ। करुणा स्वरूप मुंशी आप समझते हैं ना, करुणा स्वरूप। मैडम वहाँ माइक इंटरफियर करेगा, आप नहीं आ गए स्पीकर। ठीक आई लाइक टू स्टार्ट बाय ऑफरिंग माय लवली प्रणाम्स एट भगवान लोटस फीट हु इज अवर मदर फादर एंड अवर डियर गॉड। Respected elders, sisters and brothers, and especially if there are any Sai youth, I'm not sure. Are there any? Can you raise your hand? Me? Okay. So thank you. You have to write here. Very nice. Loving Sai Ram to all of you. Ma, I know it's not the right thing to do, but I'd like to begin by apologizing for the delay. We've just been traveling so extensively, so that I'm trying to do so many things all at once, and that led to this delay. And I really don't have any particular speech prepared for this moment. All I ask is for Bhagwan to think and share his whatever he wants to share with you through me. But in any case, all of us have a direct connection with Swami because he resides in our hearts. And I think one thing that is common for all of us is that hum itne zyada bhagyashali hain hum sabhi log kyunki hamare jeevan mein Bhagwan Shri Satya Sai Baba hain. ये हिस्ट्री में अगर आप देखो कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि परिपूर्ण अवतार धरती पे आए और कितने लोगों को पता चला। कृष्ण भगवान के समय जो उनके आसपास के लोग थे सिर्फ उन्हें पता है। दक्षिण भारत में किसको पता चला होगा कि महाविष्णु का अवतार आए हैं। राम जी के वक्त तो पता नहीं किस किस जंगल में से फिरते थे और कहाँ कहाँ गए, और अयोध्या के अलावा कितने लोगों को पता चला होगा इस बारे में। और कोई 4G टावर्स तो थे नहीं कि वो व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन किसी के साथ शेयर करते, इस वक्त मैं चित्रकूट में हूँ, इस वक्त मैं लंका में हूँ। मगर हमारे वक्त भगवान ने हम पे इतनी कृपा की कलयुग में कि 121 देश प्लस ऑल ओवर इंडिया हर जगह हम सबको इतनी अच्छी तरह से पता चल गया कि भगवान धरती पे आए हैं और हमें उनका संदेश सुनने को मिला। और आई एम श्योर इस कमरे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने संकट की घड़ी में स्वामी को नहीं पुकारा और स्वामी ने उनका साथ नहीं दिया है। हमारे भगवान इतने दयालु हैं। किसी ने उनसे पूछा था एक बार कि वो बहुत सारे बच्चों को लेके कोड़े कनाल गए और उनके साथ स्वामी ने इतना समय व्यतीत किया, उन्हें इतना प्यार दिया। एक भावुक होके एक छात्र ने स्वामी से पूछा, स्वामी हमने अपने पिछले जन्म में क्या ऐसा अच्छा कर्म किया है कि आप हम पे इतनी कृपा बरसा रहे हैं। स्वामी ने कहा, एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं और वो सारे कर्म जो इतने जन्मों के आपके अच्छे कर्म थे, सुकर्म थे, जिस क्षण में आपने मेरी एक झलक देखी वो सारे यूजअप हो गए। क्योंकि भगवान का साक्षात्कार करना कोई मजाक नहीं है। तो उस एक दर्शन में हमारे बहुत सारे पुराने जन्मों के गुड कर्मास यूजअप हो गए, बैलेंस जीरो हो गई। का उसके बाद जो तुम्हें मैंने दिया वो बोनस है सिर्फ मेरी कृपा के कारण। सो ऐसे दयालु भगवान के सर्कल में आना बहुत ही बड़ी बात है और ये पता नहीं कितने हमारे पूर्वजों की ब्लेसिंग्स के कारण। मैंने कितने साई डिवोटीज से मेरी मुलाकात हुई है या उनसे बात करने का मुझे अवसर मिला है, मैंने एक दो चीजें नोटिस की हैं। उनके खानदान में कोई ना कोई ऐसा रहा है जिसने बहुत अच्छे काम किए हैं सोसाइटी के लिए,
कोई ना कोई एक संत महात्मा रहा है, कोई ना कोई सोशल वर्कर रहा है, और एक और मेरी थ्योरी है, उनकी किसी पूर्वज ने मंदिर कहीं बनवाया है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ मुझे भी मंदिर बनाना चाहिए, मेरे आने वाली पीढ़ियों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। मैं आई ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर सिमिलैरिटीज, और उनने बहुत सोसाइटी के लिए अच्छे काम किए हैं, उसके परिणाम स्वरूप आज हमें स्वामी मिले हैं। मगर इतना बड़ी लॉटरी जीतने के बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, हम इस ब्लेसिंग का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, हम सबके पास 24 ही घंटे हैं, और स्वामी ने हमें बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया है कि हमें किस वक्त हमारे समय का प्रयोग कैसे करना चाहिए, और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। मगर अगर आप देखो, हम समिति में जाते हैं, हम अपनी साई सेवा के लिए जाते हैं, सेम घिसे पिटे वही 10 लोग हर बार आते हैं। ये फिनोमिना सारी दुनिया में है, सेम सेंटर के वही लोग आते हैं, जो ऑल्टर भी सजाते हैं, वो गाना भी गा देते हैं, ढोल भी बजा देते हैं, वो सेव नारायण सेवा में भी आते हैं, बाकियों को फोन करते रहते हैं, वो कहते हैं यार हम सो बिजी, हमारे घर में ना अभी शादी चल रही है, अभी हमारे घर में गेस्ट आए हैं, अभी हमारे तो कैनेडा और अमेरिका और लंदन से फैमिली आई हुई है, और कुछ ना कुछ चलता रहता है। मगर भाइयों बहनों, एक दिन ये सब चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, हम आखिरी सांस लेके ऊपर पहुंच जाएंगे। उस दिन ना तो हमारे रिश्तेदार, ना वो सारी शादियां जहां हमने संगीत भी अटेंड किया, मेहंदी भी अटेंड की, रिसेप्शन भी अटेंड किया, शादी भी अटेंड की, क्योंकि जैसे कि अगर हम नहीं जाते तो दूल्हा दुल्हन मंडप छोड़ के भागने वाले थे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। दुनिया में आज कोई रहे ना रहे, दुनिया तो चलती रहेगी, अब वो सारे ड्रामे साइड में चलते रहेंगे। हम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी सोशल कमिटमेंट्स को देते हैं, और हम लोग को लगता है कि सिर्फ हमें हमारी कमाई अगर रुक गई, आप देखो भगवान ने हर किसी ने दिन रात कमाई नहीं परसू की है, बहुत ऐसे लोग हैं, मगर उनकी भी जिंदगी भगवान चला लेते हैं, जो भगवान के काम में अपने आप को डेडिकेट करते हैं। मगर स्वामी ने हमें ये तो नहीं कहा सारा संसार छोड़ दो, बस मेरी सेवा करो, कहीं तो हमें बैलेंस ढूंढनी है। और यू नो व्हाट दे से, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। एज साई डिवोटी, स्वामी ने हमें इतने अवसर दिए, कितने डिस्कोर्सेस, सत्य साई स्पीक्स, कितने वॉल्यूम्स हैं, वाहिनी वॉल्यूम्स हैं। आजकल तो लोग बस व्हाट्सएप में चार लाइन से ज्यादा बड़ी मैसेज हो तो बोर होके उसको डिलीट कर देते हैं। एवरीथिंग हैज टू बी इन वन नैनो सेकेंड, लोगों का अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है, और उसका परिणाम स्वरूप कोई ऐसे काम नहीं करना चाहता जो थोड़े बोरिंग हो। जैसे अगर हमें अपनी साई सेवा समिति के लिए कोई काम करना है, उसमें प्लानिंग करनी है, बैकग्राउंड का काम है। और एक और फिनोमिना है जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ सारी दुनिया में, एक सेट ऑफ लोग हैं जो सारा पीछे से बैकग्राउंड वर्क, प्लानिंग, फोनिंग, कोऑर्डिनेशन, एक है जिनके हाथ में मेरी तरह माइक्रोफोन होता है, तो यू नो हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, मगर हमें दोनों प्रकार के दांत चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में बैलेंस चाहिए, हमें खाने वाले भी चाहिए, दिखाने वाले भी चाहिए, तभी तो हाथी हाथी लगता है। तो सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन में हमें कहीं पे एक कमिटमेंट हमें करना है कि जो भगवान है इनने हमारे लिए क्या नहीं किया, और हमें क्या लेगेसी छोड़ के गए हैं स्वामी। एक जनरेशन पहले हमें यह भी नहीं पता था कि अगर हम अपनी लाइफ डेडिकेट स्वामी को करेंगे, स्वामी हमारी लाइफ का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वामी के हवाले है। और एक जनरेशन में वो परिवर्तन आ गया जब स्वामी ने हमें बताया, इट इज ऑल राइट, यू कैन परसू ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स, बट परसू देम विद राइटफुल, बाय राइटफुल मीन्स, विदाउट चीटिंग, फॉलोइंग द लॉज ऑफ द कंट्री एंड पेइंग योर टैक्सेस and balancing your life by using that wealth to share it forward. देखिए, हम सब इतने grateful हैं, स्वामी ने कितने वक्तों पे हमारे को खतरे से निकाला है, मुसीबत में बचाया है, मगर हम उस बारे में करते क्या हैं? And स्वामी ने कहा, वो quotation है ना, the one of the worst sins is ingratitude. और वो gratitude, हम भगवान को वो शुक्राना कैसे अदा कर सकते हैं? First of all, उनकी टीचिंग्स मान के। और स्वामी की टीचिंग क्या है? लव ऑल, सर्व ऑल, मानव सेवा ही माधव सेवा है। और उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना है, थोड़ा सा टाइम निकालना है। और जो हमारे दो यूथ यहाँ है उनके लिए मैं खास उधर भी है, चलिए वेरी गुड। हमारे जो यंग लोग हैं, मैं उनको ना एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो भगवान हमें बताते हैं। भगवान ने कहा, आप सोचो आपने बहुत ही अच्छा खाने का थाल परोसा, उसमें अच्छे अच्छे पकवान और छप्पन भोग सजाया, और उसके बाद आप जाके वो सारा का सारा उलट देते हो नाली में,
और जो बचा कुचा उसमें रहा उसको लपेट के जाके भगवान जी को अर्पित करते हो। ज्यादातर लोग अपनी जीवन ऐसे ही व्यतीत करते हैं, क्योंकि जब हम यंग होते हैं हमारी सेंसेस अलर्ट होती है, हमारे कान काम करते हैं, हमारी आंखें ठीक होती है, हमें हिम्मत होती है, शक्ति होती है, हमको टेक्नोलॉजी आती होती है, हमें जल्दी जल्दी से सब इंटरनेट पे करना आता है, हम थोड़े से अहेड होते हैं पुरानी जनरेशन से, अपने माता पिता की जनरेशन से। उस वक्त अगर हम अपनी सेंसेस को और अपनी बॉडी को और अपने माइंड को डेडिकेट करें स्वामी के काम में, तो तब ऐसा होगा कि हमने 56 भोग भगवान को चढ़ाया। और अगर हम अपनी सारी जिंदगी मस्ती मौज खाना पीना कंप्लेंट करना और किसी से ईर्ष्या करना उस सब में व्यतीत करें, और उसके बाद जब अच्छे से रिटायर हो जाए और जिन बच्चों की खातिर हम इतनी जान मारी करें, एक अमेरिका चला जाता है, दूसरा ब्रैम्पटन में कनाडा कनाडा में सेटल हो जाता है, यहाँ पंचकुला में तो बड़े लोग होंगे जिनके, मैं भी कनाडा की हूँ, कनाडा में बड़े सारे रिश्तेदार हैं, उसके बाद वो डिसिल्यूजन हो जाते हैं, चलो जी बच्चे तो निकल गए उनको तुम्हारी परवाह नहीं, मेरा बहुत ही महंगा, मैंने 2 लाख का जाके ना हेयरिंग एड भी लगा लिया, कैटरेक्ट भी करा लिया, दिल में स्टेट ऑफ द आर्ट पेसमेकर भी लगा दिया, डबल नी रिप्लेसमेंट भी हो गई, अब मुझे लगता है मैं बाबा जी की सेवा करती हूँ ना। वो तो हो गया 56 भोग उठा के नाली में फेंकना, जो बचा कुचा खाना बचा हुआ स्वामी को अर्पित करना। द राइट टाइम टू सर्व स्वामी इज राइट नाउ वट एवर अवर एज, एंड दैट विल रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन प्रायोरिटाइजिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। हम लोग हाफ द टाइम वी आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट बिकॉज हम लोग कहते हैं टाइम कंस्ट्रेंट है। वॉरेन बफेट के पास भी 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं, अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। स्वामी ने तो हमें दिखाया है 6 घंटे सो जाओ, 6 घंटे काम करो, 6 घंटे अपनी फैमिली को देखो, 6 घंटे साधना में लगाओ। तो वो इतना सिंपल हिसाब करके दिखाया हुआ है, आप 6 नहीं तो 2 घंटे हम दिन को लगा सकते हैं अपनी साधना में। और सबसे कलयुग में बाबा ने कहा 2 सबसे इफेक्टिव मीन्स ऑफ अटेनिंग गॉड आर सेवा, सेल्फलेस सेवा एंड नाम स्मरणा। एंड वो इतना आसान है कि सेवा करते करते ही आप नाम स्मरण कर सकते हैं। जैसे भैया मुझे बता रहे थे वो वॉकिंग करते करते ही जाप कर लेते हैं वो अपना काउंटर पे। तो देर आर सो मेनी वेज वी कैन डू दिस एंड अचीव दिस, एंड दैट जॉय वी गेट By doing something for someone else, ना तो जो हमें कभी वो शुक्रिया कर सकते हैं वो जरूरत ही नहीं है, हमने तो भगवान को अर्पित किया है। वो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, आजकल के लोगों के दिल में कितनी रेस्टलेसनेस है आपको मालूम है? सारे हिंदुस्तान में शायद 600 या 900 टोटल साइकियाट्रिस्ट हैं और जरूरत है 10,000 की, क्योंकि इतने ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज प्रेवलेंट है। सबसे बड़ा कारण है लैक डिप्रेशन, और दूसरा है पीपल डोंट नो लैक ऑफ पर्पस, वो डिसिल्यूजन्ड है, डिससैटिस्फाइड है अपने जीवन से, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। वो लैक ऑफ क्लैरिटी इसलिए है क्योंकि हमने इस चीज को भी हाथ मारा, उस चीज को भी हाथ मारा, सब कुछ करना चाहते हैं और पता नहीं किसके लिए जीते हैं, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। सोसाइटी को हमारी फिक्र थोड़ी है, जब हम भगवान का काम करेंगे थोड़ा बहुत तो फ्रेंड्स क्रिटिसाइज करेंगे, अब तो ज्यादा ही भक्ति कर रही है, अब तो ज्यादा ही साईं बाबा के यहाँ जाता है, चल हमारे साथ चल, अब तो ज्यादा ही भक्त हो गया। थोड़ी देर के बाद जब वो आपके घर का माहौल देखेंगे और आपकी शांति वाला, आपकी शांति वाली पर्सनैलिटी को देखेंगे और आप कैसे हैंडल करते हैं हर डिफिकल्टी को, वो भी कहेंगे भाई मुझे भी थोड़ा इन्फेक्शन लग गया तेरी अच्छाई का, तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा कोई नहीं है। आई हैव ऑल्सो नोटिस, मुझे बहुत, क्योंकि मैं हमेशा ही स्वामी के काम में ज्यादातर जुटी रही, मुझे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया। जब मेरी बेटी ने बाबा का स्कूल ज्वाइन किया, वो 5 साल की थी, पुट्टपर्टी में, मतलब मैं कनाडा में रहती थी, मुझे तो लोगों ने इतना बुरा भला कहा, तू कैसी माँ है, कितनी कठोर दिल की है। आज वही लोग दे विश उनके बच्चे स्वामी के स्टूडेंट्स जैसे होते हैं। और मैं इतने बड़े बड़े लोगों से मिलती हूँ, मुझसे बात कर रहे थे, पीछे कोई आए थे पुट्टपर्टी में, बहुत ही मानी जाने हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा आपने कहाँ पढ़ा है, मैंने कहा मैं तो स्वामी की विद्यार्थी हूँ। मैंने कहा मैं ही नहीं, मेरे परिवार में 9 लोगों ने वहां पढ़ा है, 2 जनरेशन में हम सब इन्हीं के बड़े पले हैं। तो फिर कहते हैं आई विश माई सन हैड स्टडीड हियर। तो मैंने कहा आपके बेटे ने कहाँ पढ़ा, शायद वो लगभग मेरी उम्र का होगा, मैंने कहा आपके बेटे ने कहाँ पढ़ा है, तो बताया उन्हें विदेश में, सब हिंदुस्तान में जो भी अमीर है उसके बच्चे विदेश में ही तो पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में तो कॉलेज ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ क्यों नहीं डाला, जब आप इतने सालों से स्वामी को जानते हो, जो आप मुझे बता रहे हो आप 50 साल से स्वामी के फोल्ड में हो,
नहीं, जय साई राम, गो फॉर अ गुड एजुकेशन अब्रॉड एंड यू नॉट गोइंग टू गेट व्हाट इज दिस एजुकेशन, दिस इज गॉड एजुकेशन. आपका अभी आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि जो सतीश इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है जहां से मैं पढ़ी हूँ, और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि स्वामी ने मुझे 6 साल वहां पढ़ने का मौका दिया, उसका वो नैक है ना, नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन कमिटी, वो उनके उनके किसी विजिट के लिए हमें एक इम्पैक्ट सर्वे करना है. उसके अभी तक जो कुछ 2-1 हजार लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, हमारे कॉलेज के भाई बहन CEOs हैं, हेड्स ऑफ कंपनी हैं, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल हैं. हमारी अनंतपुर में एक एजुकेशन फैकल्टी है जहां से लोग बीएड करते हैं, मैक्सिमम लड़कियां स्कूल्स की प्रिंसिपल्स हैं, नहीं तो NCERT और CBSE में डायरेक्टर पोजीशन एंड अबव हैं. अब आप बताइए, हम सब मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं, हमारे माँ बाप ने हमारी पढ़ाई पे ये स्पेंड किया है 0, और आज की तारीख में यू नो व्हाट वी आर डूइंग वे बेटर देन मेनी पीपल. और उसके अलावा नॉट टू शो ऑफ, मैं अपने भाइयों बहनों के बिहाफ पे कह सकती हूँ, वो सब में एक बहुत एक एक्सेप्ट देर माइट बी सम एक्सेप्शन, जनरली एक इतनी बैलेंस है और इतना ग्रेटिट्यूड है स्वामी के लिए कि वो लोग सब हमेशा पति को ही अपना घर मानते, उनके पास बड़ी बड़ी कोठियां हो और मल्टीपल मकान हो, उनके लिए प्रशांति निलियम का वो सिंपल सा कमरा ही घर है, दर्शन ग्राउंड ही उनका घर है. वो विनम्रता और वो एक लगन की मुझे वापस देना है, आई हैव टू कैरी फॉरवर्ड दिस ट्रेडिशन. स्वामी ने मुझ पर इतनी कृपा की है, मैं इतना सा तो कुछ कर पाऊं. आपको याद है ना वो जो गिलहरी थी जब राम जी वो ब्रिज बना रहे थे, उसने कहा चलो मैं अपनी मिट्टी ही डस्ट कर दूं. तो हम सब में वो क्षमता है कि हम कुछ करें, और मैं अपनी बहनों से ये निवेदन करूंगी कि यू नो आप हमारी ड्यूटीज हैं हमारे घर के लिए, हमारे हस्बैंड्स और बच्चों के लिए, विच इज ऑल जेन्युइन, बट टू वॉच एवरी धारावाहिक इज नॉट कंपल्सरी फॉर आर गुड हेल्थ एंड सर्वाइवल, टू अटेंड एवरी किटी पार्टी इज नॉट मैंडेटोरी फॉर योर ग्रोथ एज ए ह्यूमन बींग, टू मेक इट टू ऑल द 5 फंक्शंस ऑफ योर नेक्स्ट डोर नेबर्स डॉटर और योर ब्रदर इन लॉज सिस्टर इन लॉज नीस, इट्स नॉट मैंडेटोरी. समवेयर हमें खुद ही डिसाइड करना है कि मैं कहाँ ड्रॉ लाइन करूं. अब हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें सोसाइटी के नॉर्म्स रिस्पेक्ट करने हैं, मगर हम खुद ही रैशनलाइज कर सकते हैं. अगर 5 फंक्शन है उस कार्ड में, चलो एक में चले जाते हैं और बेस्ट विशेज देके स्वामी की बेस्ट विशेज और ब्लेसिंग्स देके आ जाएंगे. दुनिया आई डोंट थिंक, एज आई सेड, आई डोंट थिंक लड़का लड़की भाग जाएंगे मंडप से क्योंकि हम 5 बार नहीं गए 5 फंक्शन में. तो उसी तरह से हम लोग कितना टाइम एक दूसरे से फोन पे बात करने में, व्हाट्सएप पे आजकल ये नया रिवाज चला है, सारा ज्ञान, सारी हेल्थ की औषधियां और सारे मजाक पॉलिटिकल पार्टीज के, कितना टाइम उस पे जाता है सोशल मीडिया पे. अगर वो सब हम देखें, और हम क्योंकि काल टाइम इज गॉड, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल हाउ वी यूज आवर टाइम. एंड जब आप स्वामी का काम करेंगे, जब आप बाल विकास में जाएंगे, बाल विकास तो लेडीज के लिए सबसे प्रथम है, क्योंकि कोई बाल विकास गुरु बच्चे को कुछ ऐसा करने को नहीं कह सकता जो वो खुद ना फॉलो करें. जब हम स्वामी का काम करते हैं, बड़े कॉन्शियंशियस हो जाते हैं, हम कैसे कहेंगे बच्चे आप ईमानदारी से काम करो, टाइम से आओ, खुद लेट आए, वो थोड़ी चलेगा. तो बिकॉज एवरी टीचर इज अ स्टूडेंट, इज अ कंटिन्यूअस लर्नर, एंड बाल विकास गुरुज को तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है. मैंने बड़े ही साल बाल विकास पढ़ा है, और मुझे लगा स्वामी ने मुझ पर बहुत कृपा करी. कई दफा तो स्वामी मुझे आके सपने में टॉपिक तक बताते थे, यूथ गर्ल्स को इस बारे में बात करो. एक बार मैंने स्वामी से बोला, स्वामी ने मुझे आके कहा उनसे ड्रग्स के बारे में बोलो. मैंने कहा स्वामी मेरी लड़कियां बहुत अच्छी हैं यूथ ग्रुप में, कैनेडा में बड़ी शरीफ है, उनको आपसे इतना प्यार है, वहां कोई ड्रग ग्रुप नहीं करता, वो बड़ी धर्मात्मा लड़कियां हैं. फिर जब मैं उठी, मैंने कहा मैं स्वामी कैसी पागल हूँ, स्वामी से आर्ग्यू कर रही थी, तो मुझे तो पता ही नहीं था क्या बात करूं, क्योंकि मेरा इस क्षेत्र में कोई अनुभव था ही नहीं, निजी अनुभव ड्रग्स के मामले में. तो मैंने अपने एक फ्रेंड को फोन किया, उसने कहा उसका भाई पीडियाट्रिशियन है, बहुत ही बड़ा कनाडा में प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में, वो बड़े लोगों को काउंसिल करता है. तो मैंने उसे बुलाया और उसने आके बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की. उसकी जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई, जो सबसे छोटी लड़की, मुझे अभी भी उसका नाम याद है, मेरी क्लास में थी, जो चूड़िया जितनी थी, जड़ी शरीफ सी थी, वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उसके माँ बाप तो उसको मेरी क्लास के दरवाजे से पकड़ के कार में ले जाते थे, वो बड़े प्रोटेक्टिव थे. वो लड़की धीरे से मुझे कहती है, आंटी आई एम सो ग्लैड वी टॉक्ड अबाउट इट. आई सेड व्हाई, व्हाट हैपेंड? ही सेड यू नो माय फ्रेंड हैज बीन कंपेलिंग मी एट स्कूल टू जस्ट ट्राई वंस, एंड ही सेड द फर्स्ट टाइम इट्स फ्री.
मैं तो डर के मारे उनका बाप रे ऐसे सीरियसली And what did you think? She said, well, I was thinking, he said, the first one is free and it's not, you know, it gives you such a high and it's not habit forming. I said, drugs are not habit. So now, you know, because the pediatrician had told them how unka, jo bhi school mein jo bache drugs promote karte hain, wo kaise baaki bachon ko phasate hain. So usne realize kiya, usne step one, step two, step three cross kar liya hai induction ke liye. तो अब वो जल्दी से क्रॉसओवर स्वामी को उस बच्ची की इतनी फिक्र थी उस एक लड़की की कि वो मेरे सपने में आके मुझे बता के गए और जो हमारे यंग लोग यहाँ हैं उनसे मैं ये निवेदन करूंगी कि देखिए आपके पास इतने मौके हैं आप लोग कहते हो हमें हम मल्टीटास्क करते हैं हमारी सोशल लाइफ है ये लाइफ है वो लाइफ है यू नो व्हाट दैट्स ऑल ग्रेट But you don't want to keep going against doing pursuing only worldly pleasures up to a point of no return because if not now then when are we planning to examine our lives and do something which gives us deep satisfaction hum log kyun pursue karte hain itni partying hum log kyun itne pleasures because we want happiness aur ek cheez try karte hain dusri cheez try karte hain kisi cheez se complete deep happiness milti nahi jab tak hum log asli happiness ka swaad karein aur wo happiness hame milti hai jab hum स्वामी की कोई टीचिंग मान के कुछ सेल्फलेसली करे ना किसी और के लिए और देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन आवर ओन सेवा ऑर्गेनाइजेशन व्हेन आवर यंग पीपल कैन पार्टिसिपेट आपको सिर्फ अपनी समिति में जाके अपने समिति इंचार्ज या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी से बात करनी और पूछना है अंकल आप बताइए हम कहाँ हेल्प कर सकते हैं और अगर आपको लगता है नहीं जी आप तो बस इतने बिजी हो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है अगर आपके पास हफ्ते में 3 बार या 5 बार 15 मिनट स्पेयर करने का टाइम है तो फिर आप विद्यावाहिनी का एक प्रोग्राम है फोन योर फ्रेंड वेयर वी टीच इंग्लिश टू रूरल टीचर्स इन इंडिया एंड आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो बहुत ही आसान प्रोग्राम है यहाँ पे गुप्ता जी हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर है आप उनको अगर अपना आपका नाम देंगे तो उस प्रोग्राम में हम आपको रेडीमेड मॉड्यूल्स देते हैं जिसमें हम मैच करते हैं लेडीज को लेडीज के साथ और जेंट्स को जेंट्स के साथ और आपको इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए कोई शेक्सपियर की इंग्लिश नहीं चाहिए मगर करेक्ट इंग्लिश प्लस उस टीचर की मातृभाषा जैसे नॉर्थ में तो हिंदी आना या पंजाबी आना जरूरी है अगर हम बंगाल में कर रहे हैं तो इंग्लिश एंड बंगला अगर केरल में है तो इंग्लिश एंड मलयालम ऐसे और उनको व्हाट्सएप पे कॉल करना है इसमें बहुत सारे फॉरेनर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फॉरेनर्स से मेरा मतलब है एनआरआईस जो विदेश में रहते हैं भारतीय लोग और वो लोग फोन करके दे जस्ट फॉलो हम उनको बेसिक सिंपल हमने वो सारे एक्सपर्ट्स ने मॉड्यूल बना के रखे हैं जो 8-9 मिनट का है और बाकी थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन डिड यू अंडरस्टैंड डू यू हैव एनी डाउट व्हाई डू वी से बाय टुडे एंड बॉट यस्टरडे ये अंग्रेजी भी बड़ी कंफ्यूजिंग सी लैंग्वेज है एंड इट यू नो समबडी हु इज न्यू टू इट तो उससे धीरे धीरे रूरल टीचर जो हमारे स्कूल्स में है सब खास करके सत्य साई स्कूल्स में उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है एंड दे आर एबल टू कन्वर्स बेटर इन इंग्लिश एंड व्हेन अ टीचर इज हरसेल्फ हैविंग दैट कॉन्फिडेंस Then she is able to teach her children with greater confidence. And you know, जो स्वामी ने कहा है, teachers are like overhead tanks. The quality of the water in the tank will determine the quality of the water in the tap. So जैसे teachers की confidence है, वैसे ही बच्चों की confidence बढ़ेगी. और आप अपने comfort of your home, just using your smartphone and your WhatsApp, 3 times a week or 5 times a week. 15 मिनट का टोटल कमिटमेंट है और ऑफ कोर्स उसमें कई दफा टीचर कहती है आई एम बिजी आई एम नॉट एबल टू कम और आपको जुकाम हो गया दैट कैन बी म्यूचुअली अरेंज्ड एंड डिसाइडेड ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोई पेनलाइज करेगा बट एटलीस्ट आपको ये सेटिस्फेक्शन रहेगी आई हेल्प्ड अ पर्सन हु विल ट्रांसफॉर्म इन टर्न ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ मेनी मेनी स्टूडेंट्स सो यू नो स्वामी हैज गिवन दिस सेवा ऑर्गेनाइजेशन He has given us so many opportunities in Bhakti, Prashanti Seva, Seva Dal. He has given us Sri Satya Sai Vidyavahini. He has given us many, many areas where we can transform our lives. And you know, some people say, "Yar, mere ghar mein itna kaam hai na, I look after my family. Mujhe apni samiti ka politics nahi pasand aata." Charity has to begin at home, but it doesn't have to stop there.
और ये तो बड़ा कन्वीनियंट बहाना है, पॉलिटिक्स आपको उतना ही टच करेगा जितना आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। आप अपने हाथ अपने तक रखिए, गीले मत कीजिए, आप अपने काम से काम रखिए, टाइम से आइए, अपनी ड्यूटी कीजिए, गोल्ड मेडल और एक क्राउन ना ढूंढिए, आपको कोई पॉलिटिक्स नहीं छुएगा। पॉलिटिक्स उसको छूते हैं जिसकी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई एम्बिशन होता है कि मुझे ये पोजीशन चाहिए, वो पोजीशन चाहिए, मुझे पावर चाहिए। जो स्वामी की सेवा करने आया है उसके लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं है, जीरो। और अपने काम से अगर हम काम रखें और सब हर बात ये सोचे, जो मैं सोच रहा हूँ क्या स्वामी इसको अप्रूव करेंगे, जो मैं स्वामी के चरणों में ऑफर कर रहा हूँ, इज इट प्योर इनफ, कैन आई डू इट बेटर, कैन आई डू इट विद मोर लव। द वर्ल्ड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ वट एवर इज विद इन अस, वी ओनली react, respond and resolve what we put out there. So I would strongly say that hot water. Okay, thank you. You're very good. No, it's okay. And I just want to say that हमको स्वामी को ना इस ऑर्गेनाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। स्वामी भगवान है, वो एक थॉट में, ये वो शक्ति है, with the power of one thought the mountains arose, air started to blow, earth came into existence, galaxy started spinning, आज तक कोई planet अभी गिरा नहीं, सब कुछ perfect balance में, trees, birds, animals, and then भगवान जी बोल हो गए, मैंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, इसको admire करने वाला ही नहीं कोई है, then he created you and I, and that's how we came about. इसलिए जो जिसके पास ऐसा power हो कि thought से एक पूरी दुनिया, एक पूरी क्रिएशन बन सके, आपको लगता है उस भगवान को आपकी और मेरी जरूरत है? ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सेवा अपॉर्चुनिटी स्वामी ने सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि कलयुग में हम लोग अपनी लाइफ को रिडीम कर पाए, अपने खाने पीने कमाने, अपने बच्चों का रोना धोना सोना, उसके अलावा भी कुछ सोचे, वो तो सब जानवर भी करते हैं। हु डजंट डू दैट, हु डजंट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, एवरी बर्ड एवरी एनिमल। आप मान लो छोटी चिड़िया का घोंसला छोटा होगा और बड़ी चिड़िया का बड़ा होगा, और हमें नहीं फिक्र है किसकी कोठी कितनी बड़ी और किसकी वो, देन हाउ आर वी एनी डिफरेंट? द रीजन वी आर बोर्न एज ह्यूमन बीइंग्स इज बिकॉज वी हैव बीन गिवन अ चांस टू अचीव आवर सल्वेशन, एंड दैट सल्वेशन लाइज इन द लोटस फीट ऑफ आवर सदगुरु भगवान श्री सत्य साई बाबा। इट लाइज इन लिविंग अ लाइफ दैट इज वर्थी ऑफ बीइंग कॉल्ड अ साई डिवोटी। ऐसा ना हो कि सोसाइटी में कहे हाँ वो तो बड़ा साई बाबा का भक्त बनता है, पीछे पता है क्या करता है, उसके इतने कारनामे हैं। When we do such things, we are not bringing any glory to his divine name. And young people, I will tell you one thing. I have been giving this example to everybody. It's an example that Swami gives. He says, imagine on a bright sunny day, एक किसी बीच पे केरला में, सुंदर से केरला में, आगे समुंदर है पीछे गोल्डन बीच है, उसपे एक बहुत ही सुंदर ऊंची कोकोनट ट्री लगा हुआ है, नारियल का पेड़। उस पे एक दुबला पतला इंसान आता है खुरपी लेके अपनी धोती में लगा के, और वो धीरे 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 एक एक कदम करके चढ़ना शुरू करता है, असली इंसान असली नारियल के पेड़ पे। नीचे बीच पे उसकी छाया पड़ रही है क्योंकि दिन की धूप है, छाया में भी एक बहुत ही ऊंचा नारियल का पेड़ है, उस पे भी एक बड़ा दुबला पतला इंसान धीरे 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 चढ़ रहा है। फिर ये असली इंसान नारियल के पेड़ के ऊपर पहुंचता है, वहां बहुत बड़ा बंच है हरे भरे नारियल का, वो अपनी खुरपी निकाल के खटाक से वो तोड़ के नीचे गिरा देता है, और छाया वाला जो उसकी शेडो है उसमें भी नारियल नीचे गिरते हैं। फिर बड़ी सावधानी से आदमी नीचे उतरता है और एक नारियल तोड़ता है और उसका पानी पीता है, वो ठंडा और मीठा और सैटिस्फाइंग पानी उसके गले से उतरता है, उसकी प्यास बुझाता है, उसे बड़ा मजा आता है। सामने वो जो शैडो है वो वाला भी पी रहा है, मगर आप सोचिए कि शैडो मैन को उसका टेस्ट आता है और उसको वो आनंद आता है नारियल पानी पीने का, जो कि असली आदमी को आ रहा है। स्वामी सेज दैट अवर रियल लाइफ, अवर रियल लाइफ शुड बी लिव्ड इज द स्पिरिचुअल लाइफ, अवर रियल प्रोग्रेस इज द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, our real rise or ascent on the tree is how much we have improved compared to last year, compared to 10 years ago, compared to 20 years ago when we heard of Swami first. If we rise on the spiritual ladder, if we are able to climb the real coconut tree, jo shadow hai na wo sara vyavhari jeevan hai, jo side ka drama chalta rehta hai life mein, ghar banane, bacche palne, shaadiyan karni hai, ye responsibility wo responsibility, वो हम जैसे जैसे हम राइज होंगे वो भी साथ के साथ चलता रहेगा।
मगर अगर हम शैडो मैन की लाइफ को ही अपने उस ड्रामे को ही रियल समझे, हम कब नारियल का पानी का स्वाद चखेंगे? असली स्वाद तो हम तभी चख पाएंगे जब हम स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करेंगे, और जो बाकी की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि स्वामी ने कहा है जो लोग बाबा की सेवा में अपना जीवन अर्पित करेंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी बाबा के कंधों पे है। तो अगर स्वामी ने हमें यह आश्वासन दिया है तो, और हमें इसमें फेथ है, तभी हम अपने आप को बाबा के सच्चे भक्त कह सकते हैं। नहीं तो ये भी हमने एक साइड शो किया है, हमारी सोशल लाइफ भी है, थोड़ा बैलेंस रखने के लिए कभी माता भी टेक आए, स्वामी के जन्मदिन पे भजन में जाएंगे, पर हमारे खास जॉब है, हम नहीं बाल विकास कर सकते, हम सेवा में नहीं जा सकते, हम कुछ और नहीं कर सकते, बाकी सब एक्सक्यूज है। एंड यू नो वॉट, इट्स अवर चॉइस, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, इंडिया इज अ ह्यूज डेमोक्रेसी। And we are free to make the choices we want, but we have to remember every choice comes with a consequence. Aur kab kiska last moment aa jaye, that is known to Swami. Age is not the only factor. Kabhi bhi, koi bhi, kahin bhi, aaj humse baat kar raha hoga, agle din, char din baad hum uska chautha bhi attend kar sakte hain. Aisa to life mein hota hai. And hum sab ke sar ke upar ek countdown chal raha hai. किसका कब वो काउंटडाउन, कोई 7 साल जिएगा, कोई बेचारा 4 साल जिएगा, कोई 25 साल जिएगा, कोई 35 साल, कब वो मौका वो किसी को नहीं पता। ये राज हम सबसे छुपा है, मगर जो चीज हमें पता है, हर सांस भगवान की दी है, हर सांस भगवान की देन है, हमारी लिम्स में जो शक्ति है वो भगवान की दी है, उसका प्रयोग हम वो शैडो वाले बंदे के नकली नारियल में चखने में बिताना चाहते हैं, या असली स्वाद जो ब्लिस है स्वामी की ग्रेस का, उसे चखने में। सो दैट्स अ चॉइस, एंड आई होप आई डिड नॉट ऑफेंड एनीबॉडी बाय व्हाट आई सेड, बट आई जस्ट फेल्ट दैट यू नो स्वामी हैज गिवन अस वे टू मच ग्रेस। एवरी टाइम वी हैव अ डिफिकल्टी, स्वामी इज देयर फॉर अस। इट्स हाई टाइम ही हैज सेड नाउ अवर लाइफ हैज टू बिकम हिज मैसेज। नाउ द सिंपल लॉजिक हियर इज, if we have done a same set of things all our lives and got the same outcomes, if we want a different outcome we have to do something else. So agar aap itna parishram karke aapko b grade mil raha hai ya c grade mil raha hai, kahin to hame apna parishram badhana hai taki hum bhi a grade ki or chal pade. Wo hamari choice hai, wo hamari determination hai, aur hum sab samay nikal sakte hain. Aur aap dekhiye, agar aap bhagwan ki or ek kadam badhayenge, bhagwan hamari or 1000 कदम बढ़ाने को तैयार है। थैंक यू साई राम। मैं ग्रहण करना स्वरूप मुंशी जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, और उम्मीद करता हूँ जो यूथ अंदर भी बैठा है, इधर भी बैठा है, इस बात से कोई प्रेरणा लेगा। इन्होंने बहुत ही थके होने के बाद भी यहाँ आना स्वीकार किया, और इनका ये प्रतन जो है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। साई राम। ओम सरस्वती नारायण पुरुषोत्तम गुरु तू सीता गुरु तू।